नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। पति जी प्रताड़ना और मारपीट से आहत पत्नी ने एसपी ऑफिस पहुंच मदद की गुहार लगाई। पीड़ित पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति उसे कुछ लोगों के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा है और इसीलिए उसने नग्न अवस्था की फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी है। हालांकि पुलिस ने मामले के संज्ञान में आते ही आरोपी और उसके मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पहाड़िया की रहने वाली एक पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने पति की शिकायत करते हुए गंभीर आरोप लगाती है। महिला का कहना था कि उसका पति शिवेंद्र सिंह उसके साथ आए दिन मारपीट करता है। जहां वो काम करता है वहां के लोगों के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने कुछ तस्वीर व वीडियो भी नग्न अवस्था की बनाई है जिसे अब वायरल करने की धमकी दे रहा है। फिलहाल महिला अपने मायके सिरमौर में रह रही है और अपने मां के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से लिया और आरोपी पति को पकड़कर उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया है जिसमें वीडियो बनाने की बात कही जा रही है। बताइए कहाँ से आई, क्या घटना घटी है? मैं पिंकी साकेत, मेरा मायका सियासी सिरमौर है। मेरी शादी सगरा पहाड़िया में हुई है। 26 मई 2022 में मेरी शादी हुई थी। 30 नवंबर को मेरी सास और बेटे की लड़ाई हुई थी तो सास ने लड़के को जहर दे दिया था, शिवेंद्र कुमार साकेत को जहर दे दिया। फिर संजय हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, फिर वहाँ से मेंटल हॉस्पिटल के लिए बोल दिए थे, फिर वहाँ से वो भाग आया। 8 दिसंबर को हम भाग आए तो वहाँ से वो भाग आया। फिर 9 दिसंबर को सुबह सुबह इसकी मम्मी पापा हमारे जेठ लगड़ा जेठ है, बड़कवा जेठ है, देवर है और ये सारे मिल के मुझे मारे। जितना मेरा जेवर था मायके का ससुर का सब मेरी सास चुरा के ले गई। ससुर मेरा कोने में मुझे ले जा के बोलता था तैं हमारे साथ गलत कर, अपनी बड़ी वाली पुतहू को मीना को रखा है। मुझे भी कहता कि तू भी पीछ कल हो, मैं नहीं होती। उसी मैटर में ये मारता है। 30 दिसंबर को जब मैं सबसे गुहार लगा रही थी, सेक्रेटरी सरपंच पटवारी बुलाया गया, गांव वालों बुलाया गया, लेकिन हमारे मम्मी पापा को नहीं बुलाया गया। मुझे पेटीकोट ब्लाउज में निकाले वहाँ बाहर, फिर गांव वाले के बीच में सबके बीच में मुझे नंगी किया कि ये बैसिया है, फालतू फालतू इल्ज़ाम लगाया। मैं बोली अगर मैं हूँ तो मैं मम्मी पापा को बुला दो, मैं चली जा, तो फिर भी कोई नहीं बुलाया। मेरे फूफा ससुर दूधनाथ वो मेरे मायके में फ़ोन लगाए, जब सब लोग घर चले गए तो मुझे अंदर ले गए तो मुझे तेल डाल के जलाने वाले थे। अचानक मेरे मम्मी पापा आए तो चोरी लगाने लगे। अब पाँच तारीख को मैं मायके से आई दोपहर 2 बजे को। घर में आई तो ये लड़की बाजी किया था, रंडी लेके आया, तो मैं इससे पूछी कॉन्डम वगैरह पड़ा था कि ये कोई आया था, तो बोला हमारी मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ मैं कमाता हूँ, तू पैर की जूती है तो तू जूती जैसी रह। मैं बोली ठीक है अभी शांत हो जाओ। फिर बोला अपने दोस्तों को बुलाया, फिर अपने सर को बुलाया, कहता है बीरपाल सर थे, संतोष सर थे, शिव बहोर यादव था, लिपनिया का है शिबू यादव था, सोनू यादव था। एकदम नंगी वीडियो बनाए, MMS बनाए, बोले अगर तू मेरी बात न मानेगी मेरे प्लांट वाले सर के साथ में सोएगी नहीं, धंधा नहीं करेगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तू धंधा कर, मैं धंधा करने के लिए मना कर दी कि तू मुझे मार डाल लेकिन मैं धंधा नहीं करूँगी। उसी मैटर में मुझे मारता है, प्रताड़ित करता है, झूठ बोल बोल के राजीनामा कराया तो बोला राजी हो, राजी बाजी हो तो सारे जेवर दे देंगे। एक भी जेवर नहीं है, जो पहनी थी मेरी मम्मी दी थी, एक एक बिछिया दी थी, राजी बाजी के बाद ये नहीं ला कर दिया। वो भी आज 6 तारीख को 6/7/2023 को 2 बजे उतार लिया, पूरे जेवर उतार लिया मेरे, रख लिया। मुझे कहता है रंडी तो कहीं ना जा, मैं बाँ कर रखा था काटने के लिए, कोई इसके आया है तो मैं धक्का दे के वहाँ से भागी हूँ, मुझे निकलने नहीं दे रहा था। क्या नाम है आपके पति? मेरे पति का नाम शिवेंद्र कुमार साकेत पहाड़िया है, ससुर का नाम रामाधार साकेत है, सास का नाम छोटी साकेत है। धमकी देता है अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुम्हारी वीडियो जितनी भी है जितने बनाया है वो
तो मैं सारी वायरल कर दूंगी, ना तो गली की रहेगी ना घाट की, ना तू कभी पढ़ सकेगी, तुझे सिर्फ मिलेगी तो मौत मिलेगी। इतनी गंदी गंदी धमकी देता प्लस मारता भी है। उसकी मम्मी कहती है कि कहते बुरचौदी का निकाल दे, हम तो दूसरा काज कर ले, तो कहता है कि हम हमारी बाप कहते दूसरा काज कर ले तो छोड़ दे, तो ते नहीं छोड़ते, मैं इस दो काम मारी थे ते नहीं छोड़ते, तो चल धंधा कर, हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, मैं नहीं जाती धंधा करने, इसलिए वो मारता है मुझे। बांध के कल मारा है, कल रात को मारा है मुझे, करीबन 11:30 बजे मारा, आज दोपहर को, आज सुबह ही मारा है, 9 बजे से मारा है। मारे थे तो और कौन कौन था? वीरपाल सर थे, सिब्बू यादव था, सिब बहोर यादव था लिपनिया का, सोनू था, ब्रिजेश था, लड़के लड़के थे, 6 लोग थे मेरे कमरे में, ये सब लोग मिल गए, हमारा हाथ पैर बांधे, सब के बीच में मेरे सारे कपड़े उतारे, तब जाके वीडियो बनाया, कहता है हम गलत किए हैं तो किया तू पंचे करो, वो कोस पूछो ना करी, हम वीडियो बना लिए हैं। कल एक महिला ने अपनी माँ के साथ में आके एक रिपोर्ट किया था कि उसका पति उसे मारपीट करता है, और ये कहता है कि जो जहाँ वो काम करता है वहाँ उसके अधिकारियों के साथ संबंध बनाए, ऐसा उनका आरोप था, और उसने उनकी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो भी निकाला है, उससे वो ब्लैकमेल करना चाहता है। इस शिकायत पर थाना विश्वविद्यालय ने 294/323/506 का मुकदमा कायम किया था, और जो मोबाइल बताया गया था वो मोबाइल उसके पास था नहीं। अभी प्रकरण की विवेचना की जा रही है, यदि कुछ इस तरह का मामला या एविडेंस साक्ष्य में आते हैं तो उन धाराओं पे भी बढ़ाई जा करके कार्रवाई की जाएगी। अभी उसको 151 में प्लस जो IPC की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर किया गया है, वर्तमान में विवेचना जारी है। मोबाइल अभी तक मिला नहीं है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने वीडियो बनाया है, और वीडियो अभी उपलब्ध भी नहीं हो पाए हैं। जांच विवेचना के दौरान यदि पाया जाता है तो धाराएं बढ़ाई जाके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।